हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम केयर। आज इस वीडियो में आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हम क्या बात करेंगे। हम पोर्ट्स को कैसे कलर करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस चीज़ के लिए आप कोई भी पोर्ट ऐसा ले सकते हैं फ्रेंड्स, जो नया हो या पुराना हो या खाली हो या उसमें प्लांट लगा हो, किसी भी तरह का ले सकते हैं आप पोर्ट। तो ये जैसे मेरा इसमें छोटा सा प्लांट लगा हुआ है, तो मैं तो इसको लगे ही रहने दूंगा और तब भी मैं कलर कर लूँगा। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स जो हमारे लिए ज़रूरी है, ये है फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स। आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, लेकिन यूज़ एक्रेलिक ही करना। इसका रेट 80 रुपये मुझे पड़ा, तो मैं आपको प्राइस आइडिया के लिए बता रहा हूँ। और इसके साथ फ्रेंड्स इसमें कितने कलर आए तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये तो 2 महीने बाहर निकाले हुए हैं और इसके अंदर ये 4 और हैं, यानी ये 6 कलर हमें पड़े 80 रुपये में, जिसका मतलब है कि राउंड अबाउट 18 रुपीज़ समथिंग का हमें एक कलर पड़ा, 18 रुपये कुछ पैसे का एक कलर। फिर दूसरी चीज़ आपको फ्रेंड्स ये ब्रश चाहिए। आप कोई बड़ा ब्रश भी ले सकते हैं, मेरे पास यही था तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। और ये भी फ्रेंड्स होते हैं कलर्स, आप चाहें तो ये भी चीप होते हैं, 20 रुपये में मिल जाते हैं, इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाटरप्रूफ नहीं होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा एक्रेलिक कलर्स यूज़ करने के लिए। और एक ऐसा खाली पोर्ट लेना है आपको ज़रूर, क्योंकि जब हम कलर कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम इसको सही से रोटेट नहीं कर पाते हैं, कलर लग हमारी फिंगर्स में लग जाता है। इसलिए तो हम अगर बेस में पोर्ट रखेंगे तो हम पोर्ट को नीचे से बेस से घुमाते रहेंगे और ऊपर हमें जो पोर्ट जिसको हम कलर कर रहे हैं उसको रखने की, हिलाने की, पकड़ के ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई भी कलर आप ले सकते हैं फ्रेंड्स अपनी पसंद का। मैंने ये लिया है। और इसमें कलर्स में फ्रेंड्स एक्रेलिक कलर्स रेडी टू यूज़ होते हैं, कोई भी पानी आपको इनमें नहीं डालना है। तो बस इस तरह से आपको कलर कर लेना है। आप कोई भी कलर अपनी पसंद का कर सकते हैं। वाइट में आप कोई भी हल्का सा 1-2 बूंद कलर डाल के आप अपना मनपसंद का कलर बना सकते हैं, जो भी आपकी अपनी पसंद हो। तो होते हैं फ्रेंड्स वाटरप्रूफ होते हैं, और जब हम अपने प्लांट्स को पानी देते हैं तो उस पानी से इन ये कलर्स बहते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते हैं। और ये इनमें शाइन भी होती है, बिना शाइन वाले भी आते हैं, पर मेरे पास जो ये हैं ये शाइनी कलर्स हैं। ये वही कलर्स हैं दोस्तों जो फैब्रिक पेंटिंग वगैरह में या फैब्रिक को कलर करने में हम लोग यूज़ करते हैं। और एक जो है वो 18 कुछ रुपये का आपको पड़ेगा। तो ये अगर आप लूज़ में लेते हैं फ्रेंड्स तो आपको 15 रुपये का एक पड़ता है। ये कॉटन स्वैब में मैंने वाइट कलर डिप किया है। मैंने फ्रेंड्स बेस कलर को अच्छी तरह सुखा लिया है। आप भी अपने बेस कलर को अच्छी तरह सुखा के फिर ऊपर से आप कलर करेंगे, वरना वो बेस के साथ मर्ज हो जाएगा और अच्छा कलर उभर के नहीं आएगा। फ्रेंड्स मैं अपनी पसंद के फ्लावर्स बना रहा हूँ, आप कुछ भी बना सकते हैं। आप खाली इन पोल्का डॉट्स को ऐसे भी रहने दे सकते हैं, या आप कोई भी फ्लावर जो आपकी पसंद का हो वो बना सकते हैं, या जो आपको अच्छा लगता है वो आप अपने पसंद का इसमें कि आपको क्या पसंद है। तो देखिए मेरा ये बनकर रेडी हो गया है। बीच बीच में थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से ध्यान से करते हैं तो रिज़ल्ट बहुत प्यारा आता है। तो देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और आप लोगों को कैसा लग रहा है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जब हम कलर करते हैं फ्रेंड्स तो ये अपनी क्रिएटिविटी होती है, आप क्या बनाना चाहते हैं, जो आपके दिमाग में आए वो आप बना सकते हैं। या अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इतने सारे गूगल पे आपको जो है डिज़ाइंस मिल जाएंगे, वो आप देख के कर सकते हैं। और इन कलर्स को ही करिएगा एक्रेलिक को, क्योंकि ये वाटरप्रूफ होते हैं। अगर आप ये देखें, दूसरे मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने पोर्ट्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी, तो ये मैं कलर कॉम्बिनेशंस के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरा जो है ग्रीन और जो येलो वाला है मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तो आप 2 लाइट कलर्स को नहीं लेना है आपको, आप डार्क और लाइट का जो है कॉम्बिनेशन तो उससे आपका जो है
जो उभर के जो कलर आएंगे दोनों एक साथ वो अच्छी तरह आएंगे और आपका पॉट प्यारा लगेगा। तो देखिए ये मैंने कुछ न्यूज़पेपर वेस्ट से बनाया हुआ है, एक वाटरफॉल कुछ दिखाने की मैंने कोशिश की है। तो आप लोग भी अपनी क्रिएटिविटी को अपने गार्डन में ऐड करते रहिए, जो भी आपका मन करे वो आप बनाइए। तो सिंपल नॉर्मल जैसे ये रेड और ब्लैक में पोल्का डॉट करके बनाया ऐसे बना लीजिए, और अगर आपको ब्रश चलाना आता है आप अच्छी तरह से चीज़ें बना लेते हैं ब्रश से, तो जो भी आपका मन करे, इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी, आप अपने मन का पोर्ट पे उतार दीजिए। तो न्यूज़पेपर से मैंने वेस्ट से मैंने ये झरना बनाया था। तो ये वैसे तो बाहर नहीं रख सकते हैं इसको, क्योंकि बारिश वगैरह होती है इनकेस तो ये ख़राब हो जाता है, लेकिन कहीं आप ऐसी जगह इसको रख सकते हैं अपने पोर्ट्स के साथ जहाँ पे जो है बारिश सीधी ना गिरती हो। तो इसी तरह की चीज़ें फ्रेंड्स मैं करता रहता हूँ। एक ये देखिए, ये भी एक अलग सा डिज़ाइन है। तो आपका जैसा मन करे चीज़ों को बनाने का आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको मेरी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, और अपने सवाल में इसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। उससे आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, दैट इज़ द ओनली वे आई रिसीव योर लव। सो मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड, हैव ए हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू।